हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने पंचायतों में दिव्यांगों यानी कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? और सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ये एक, अगर आप देखें तो एक इक्वलिटी के तौर पे एक बहुत ही अच्छा एक डिसीजन आप कह सकते हैं कि दिव्यांगों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए आरक्षण दिया जाए। यानी एक तरह से ये एक पॉजिटिव रिजर्वेशन की बात यहाँ पे हो रही है और उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अपना एक निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत में एक स्थान दिव्यांग सदस्य के लिए आरक्षित होगा। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 स्टेट पंचायती राज एक्ट संशोधन करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 6% है। ये एक बहुत ही बड़ा जो है पॉपुलेशन है और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके एक अच्छाई के लिए कि इनका भी कुछ जो है समाज में योगदान हो और इनके लिए भी कुछ योगदान दिया जाए, सरकार ने ये निर्णय लिया। तो अभी यहाँ से आपको समझने वाली एक बात है कि एक तो ये डिसीजन हुआ, ठीक है, आपको जो है छत्तीसगढ़ CGPCS में अगर आप बढ़ते हैं तो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि ये जब पंचायत की बात होती है तो पंचायती राज सिस्टम क्या है और ये एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया, कब हुआ, इसकी पूरी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। उतना अभी फ़िलहाल ना जाके हम ये देखें कि जो पंचायत में अगर पार्ट 9 बोलेंगे तो वो पंचायत से रिलेटेड है पार्ट 9, और आर्टिकल है 243, जहाँ पे 243 में सबको डिफाइन किया है कि स्टेट क्या होगा, पंचायत क्या होगा, ग्राम सभा क्या होगा, ऐसे करके डिफाइन किया है। 243B बहुत काम का ये आर्टिकल है और यहाँ पे ये बताया गया है कि हर स्टेट में पंचायत होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या बिल्कुल ही गांव लेवल पे हो, एक पंचायत होगा। और ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये यहीं से शुरुआत हुई और उससे पहले 240A ग्राम सभा के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिडेट भी करता है इस डिसीजन को। और हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। किस देश में मौजूद फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को हाल ही में आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ऑर्किडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट को प्रतिष्ठित आगा खां आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इसमें बांग्लादेश के दक्षिणी कनारचौर में आशिय के बच्चों के लिए फ्लोटिंग स्कूल का निर्माण शामिल है। यह पुरस्कार समारोह तातारस्तान गणराज्य का राजधानी है खजान। तातारस्तान जो गणराज्य है ये रशिया का एक प्रोविंस है और इसका नाम है तातारस्तान रिपब्लिक और उसका जो कैपिटल है वो खजान है, वहाँ आयोजित किया गया था। इस स्कूल को वास्तुकार सैफुल हक ने एक स्कूल डिज़ाइन किया जो शुष्क मौसम के दौरान जमीन पर रहता है और मानसून के दौरान पानी पर तैरता है। उन्होंने स्कूल के निर्माण के लिए केवल स्थानीय सामग्री बांस, टायर, स्टील, ड्रम का उपयोग किया। तो ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है जो अभी फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को दिया गया है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई? और सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और उसे अभी टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 जो है टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें अचानक मार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व शामिल हैं, और ये चौथा अभी बनेगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आप लोग जो है नोट जरूर कर लें कि छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो अब अगर इसको मिला दें तो कुल 4 हो जाएंगे। इसके अलावा लेमरू हाथी रिजर्व गठन की अधिसूचना भी जारी की गई है। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किस देश के साइबर अपराध संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है? सही जवाब ऑप्शन ए, रसिया। रसिया ने जो है एक संयुक्त राष्ट्र में अगस्त 2020 में न्यूयॉर्क में एक नई संधि स्थापित किए जाने की योजना के तहत सभी सदस्य राष्ट्र जो है अपने साइबर क्राइम को एक दूसरे से शेयर करेंगे, ऐसा एक इनिशिएटिव लिया था और इसी का समर्थन जो है भारत ने किया है। भारत लंबे समय से डेटा सुरक्षा की समस्या से लड़ रहा है। समझिए कि अभी हाल ही में भी इस बात की जो है कुछ एक्सपर्ट ने ऐसा बताया था कि जो कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में, कुलन वगैरह जो ऐसे रिएक्टर्स हैं, उनमें एक साइबर अटैक हुआ था। तो अगर इस तरह से पूरे विश्व भर में, और ऐसा भी माना जाता है कि अगली जो वर्ल्ड वॉर होगी वो बहुत ही कोई जेनरिक वर्ल्ड वॉर नहीं होगी कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से लड़ा जा रहा है या कुछ ऐसे तोप और मिसाइलों दाग के लड़ा जा रहा है। अब जो माना जा रहा है कि वो चाहे साइबर में होगी, चाहे वो स्पेस में होगी या फिर पानी में होगी। तो इन 3 चीज़ के ऊपर बाकी के देश भी जो है अपने काम कर रहे हैं, और इसी के तहत जो है भारत भी बहुत सा काम कर रहा है अपने साइबर सिक्योरिटी को लेके। और इसी को देखते हुए 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 अपनाई थी। अगला सवाल, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इसका जो आयोजन था, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने सार्वजनिक उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर किया। इस शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। जैव प्रौद्योगिकी तेजी से उभरने वाला क्षेत्र है जो वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। अगला सवाल, भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब ऑप्शन बी, डी, 26 नवंबर जो है इसे मनाया गया। और हर साल भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इस दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों को याद किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से संविधान को अपनाया गया था और 26 नवंबर 1950 को देश भर में लोकतांत्रिक तरीके से इसे लागू किया था। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त लगा था। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सवाल में, जो परीक्षाओं में अक्सर सवालों के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखें। अगला सवाल, हाल ही में किसने तत्काल प्रभाव से जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया? सही जवाब ऑप्शन सी, सुभाष चंद्रा। हालांकि वे कंपनी के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक डायरेक्टर बने रहेंगे और सुभाष चंद्रा के पास केवल 5% शेयर रह गए हैं। बता दें सुभाष चंद्रा ने साल 1992 में इस समूह की स्थापना की थी। सुभाष चंद्रा देश के पहले निजी सैटेलाइट टीवी चैनल जी एंटरटेनमेंट के संस्थापक होने के साथ ही हरियाणा के से राज्यसभा के सांसद भी हैं। काफ़ी दिनों से जो जी ग्रुप का जो पूरा बिजनेस था वो बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहा है, और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो सुभाष चंद्रा जो है बैंकक्रप्सी भी दायर कर सकता है क्योंकि उनकी जिस तरह से अभी हालत है। और लेकिन इस सब ऐसे समय में उन्होंने सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को जो अथॉरिटी बोर्ड है उसको उन्होंने एक अपने इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया कि वो उसके चेयरमैन पद से वो हट रहे हैं, हालांकि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने रहेंगे। अगला सवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बारिश से प्रभावित किसानों हेतु कितने करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी? सही जवाब ऑप्शन ए, 5380 करोड़ रुपए। द
दरअसल महाराष्ट्र में अक्टूबर महीने में हुई बेमौसम बारिश के चलते बड़े पैमाने पे किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य सचिव को बारिश के चलते फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने राहत पैकेज जारी करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने एक दिन की जो उनका चेयरमैनशिप ये चीफ मिनिस्टरशिप रहा उसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया और इसके ऊपर जो जैसा कि आप सबको पता है कि फ्लोर टेस्ट होना है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया था और जो कि आज ही होगा, तो आज शाम तक आपको पता चलेगा कि देवेंद्र फडणवीस जो है वहाँ पे फ्लोर टेस्ट में पास हुए उनकी सरकार या नहीं। हालांकि ऑलरेडी उनका जो है वो त्यागपत्र दे रहे अपने पोजिशन से, इसका जो है मार्केट में ऐसी खबरें आ रही है, न्यूज़ चैनलों पर आ रही है, लेकिन खबर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट खबर है हमारे लिए क्योंकि महाराष्ट्र में नए सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन उसमें भी जो लोक कल्याण के लिए जो किसानों के लिए पैसे अलॉट हुए हैं ये और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि इतने करोड़ रुपए का उन्होंने बेमौसम बारिश के लिए किसानों के लिए ये एक राहत में ये फंड उन्होंने दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला सेगमेंट, बढ़ेंगे अगले सवाल पे जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए एक नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई उत्सव मनाया जाता है और सही जवाब ऑप्शन बी मणिपुर। ये जो है एक वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है मणिपुर का और बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, यानी यूं माने कि मणिपुर का ये सबसे बड़ा त्यौहार है संगाई उत्सव। और एक सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है। आप अपने जवाब को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें JagranJosh.com।